रेडी 10 मिनट पहले अपना काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक. क्वेश्चन नंबर 1 क्या? ऑब्जेक्टिव्स, फाइंड दी ऑड वन आउट. आंसर इज गोइंग टू बी परचेजेस, क्योंकि पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, ये तीनों भी. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज करंट रेशियो. कैसा निकलता है करंट रेशियो? इज नथिंग बट करंट एसेट्स अपॉन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्विंग स्टार्ट करूंगा मैं. सबसे पहले एसेट्स के साथ कैश एट बैंक जाएगा. मेरा बैलेंस शीट हुआ समाप्त. आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट. लिक्विड एसेट पहले बिक रहा है, फिक्स्ड वाला बाद में. क्वेश्चन नंबर 4 इशू ऑफ शेयर्स. सारा एंड कंपनी विल इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स. तो चलो भाई, इक्विटी शेयर्स. डेथ ऑफ पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 5 मशीनरी रिवैल्यू आर 46,000. तो मशीनरी 46 का हो गया 6,000 से. क्वेश्चन नंबर 6 NPO. क्वेश्चन 7 क्या है? इन द बुक्स ऑफ ट्रेड एक्सपेंसेस. ट्रेड एक्सपेंसेस रहेगा तो सर्च फॉर गोम्स बाबा, है ना गोम्स. 4,87,700 पे टैली. मिनट पहले अपना काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक देखना है. ऑप्शनल वाले यानी अपन ने जो पढ़े हैं वो जब बराबर से अपने को आ रहे कि नहीं, और कौन से अपने को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंपलसरी. तो उसमें कुछ देखना है, कुछ करना है, कुछ नहीं. तो चलते, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चल रहे. क्या दिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में? एडमिशन, एडमिट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाने का, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. हो जाएगा? चलिए एक बार एक जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं. एसेट्स, लाइबिलिटीज, ठीक है. न्यू रेशो दिया है, क्या निकालना पड़ सकता है? सैक्रिफाइस. अगर नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो ला रहा है क्या? हैसा न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल. तो ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स कौन से रेशो में? सैक्रिफाइस. न्यू रेशो 5:3:2. तो मतलब ओल्ड वालों का 5:3 है ना. नया पहले कितना था? बदल गया क्या? डेफिनेटली क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये देख के ऐसा बोलेंगे जाओ लास्ट में करूंगा मैं. अरे कोई टेंशन नहीं क्या? और कुछ भी नहीं है इसमें, बस वही एक है, बाकी ठीक है. विड्रॉ वगैरह वो सब ठीक है, डन. क्या चलते आगे? क्वेश्चन 2 हो गया. फिर क्वेश्चन 3 चेक करते. क्वेश्चन 3 क्या है? डिसोल्यूशन. चलो चलो चेक करो. अरे वाह, क्या बनाने का है रे? करंट भी बनाने का है रे. क्या क्या बनाएंगे रे? रियलाइजेशन. फिर पहले क्या? रियलाइजेशन तो ठीक है, पहला करंट की कैपिटल उसमें ही झोले. हाँ पक्का, इधर तो कैपिटल दिया है पहला कैपिटल, फिर करंट. ये कि अपने हिसाब से ये डैश है, ये इसको तेल लगाने का. ऐसा है क्या? पहले तुमने करंट किया तो क्वेश्चन एग्जाम में रॉन्ग मिलेगा, इधर तो कैपिटल बोला है. अरे इसको बोलने तो, क्या बोलने का है? अपना पॉइंट सिंपल है, रियलाइजेशन का बैलेंस जाएगा करंट का, जाएगा कैपिटल का, जाएगा खत्म. सारा एंड कंपनी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर. क्या पास करना है? जर्नल, ठीक है. बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट रहेगा अभी तो कोई टेंशन नहीं है. फिर डेथ है क्या? हाँ, प्रिपेयर रानीज कैपिटल, जो मर गया उसका कैपिटल. और वर्किंग, वर्किंग में और क्या बनाना पड़ेगा? कुछ भी. काय को चाहिए? अरे नहीं बोला है तो काय को बनाने का? बनाने का. चलिए स्टार्ट करते 230 डॉट. डन. क्वेश्चन नंबर 1 क्या? ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन 1A फाइंड दी ऑड वन आउट. चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ना. चलिए पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, परचेजेस. पोस्टेज, स्टेशनरी, ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा सर? आंसर इज गोइंग टू बी परचेजेस, क्योंकि पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग, ये तीनों भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स है. परचेजेस बिलोंग्स टू ट्रेडिंग, तो इनमें ऑड वन है परचेजेस. नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड वैल्यूएशन मेथड और फिर आंसर लिख देंगे हम. क्या आएगा आंसर? ये इंपॉर्टेंट सर आंसर रहेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये सारे गुडविल कैलकुलेशन के मेथड्स है. दीज आर दी मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल. तो आंसर क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. चलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड.
नेक्स्ट नंबर थ्री, स्टैम्प एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट अमाउंट. स्टैम्प एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट अमाउंट. आंसर, स्टैम्प एक्सेप्टेंस और अमाउंट, ये तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट का हिस्सा है ना. ड्राफ्ट होता है किधर फॉर्मेट में, तो आंसर क्या है? अरे बराबर की नहीं, पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में हम जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफॉर्मा ड्रॉ करते हैं, स्टैम्प इधर आता है, अमाउंट आता है और एक्सेप्टेंस नीचे आता है, टू पैरेलल लाइंस, बराबर एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेंस होता है. तो दिस थ्री पार्ट्स आर दी कंटेंट्स ऑफ दी फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेयर एज ड्राफ्ट इज नॉट. आगे, डिक्रीज इन फर्नीचर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ. डिक्रीज इन फर्नीचर increase in bills payable RDD return off. RDD return off क्योंकि decrease in furniture loss, patent right off हुआ loss, bills payable बढ़ गया और पैसा जाएगा loss, तो फिर बच गया क्या? RDD return off, ये फायदा है. odd one out. कैपिटल बिल्स रिसीवेबल रिजर्व फंड. कैपिटल बिल्स रिसीवेबल रिजर्व फंड बैंक ओवरड्राफ्ट. सो आंसर इज गोइंग टू बी बिल्स रिसीवेबल. बाकी सब तो लाइबिलिटी है, कैपिटल रिजर्व फंड बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो आंसर है बिल्स रिसीवेबल. सही है ना? चलिए भाई, हो गया ए पार्ट. अब बी, कंप्लीट दी सेंटेंस. फर्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी लॉफुल. अभी तो किया था अपन ने. नेक्स्ट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सर्विस मोटिव के लिए बना हुआ है. राइट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. नेक्स्ट, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इज शोन ऑन दी ऑब्वियसली लाइबिलिटी, क्योंकि लोन करके दिखाते ना. डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ध्यान से लिखना स्पेलिंग. Generally, current ratio should be, ये अलग, ये AOFS है ना, analysis of financial statements, उसका है, I'll tell you. Generally, current ratio should be 2:1. अरे करंट रेशियो मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, करंट रेशियो मतलब. अच्छा सुनो ध्यान से, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज अपन ने देखा था बराबर, तो करंट रेशियो कैसा निकलता है? करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स वर्सेस करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स मतलब पैसा आने वाला है, करंट लाइबिलिटीज मतलब पैसा जाने वाला है विद इन अ पीरियड ऑफ वन ईयर. राइट, तो ही करंट हुआ ना. करंट मतलब क्या? एक साल से कम एसेट हो या लाइबिलिटी हो. तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का क्या रेशियो होना चाहिए? सिंपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो नहीं दिया है सब, बट फाइनेंशियल रूल
जो फाइनेंशियल नॉर्म्स है इंडस्ट्री का, वो ऐसा बोलता है कि अगर तुम्हारा एक रुपया जाने वाला है तो बदले में दो रुपया आने वाला होना चाहिए। रेशियो साउंड्स लॉजिकल, ज्यादा आना चाहिए कि ज्यादा जाना चाहिए? तो नॉर्मल रेशियो क्या है, 2:1, डबल। अगर जाने वाला है 10,000 तो करंट एसेट्स में होना चाहिए 20,000। ये नॉर्मल प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करंट रेशियो है, गेटिंग? ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज फॉलोड इन प्रैक्टिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, याद रखिएगा। तो बहुत हेल्पफुल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो आपको याद रहना चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का करंट रेशियो 2:1 है, मतलब समझना उसका वर्किंग कैपिटल एकदम बाप है, फाड़ एकदम। होता नहीं है ऐसा कभी, इतना एग्जैक्ट डबल नहीं हो सकता, बहुत रेयर है। बट अगर मान लो 1.9, 1.8 है, बेस्ट। ये 4:1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, एक रुपया जाने वाला है, 10 आने वाला है, अच्छा है। अरे भाई आया कि नहीं फिर अभी तक? बात समझ में आ रहा है? उधर में कुछ बेच रहे हो और बोल रहे हो पैसा आने वाला है और आ रहा ही नहीं, मतलब कल को बैड डेट्स हो जाएगा। 2:1 बस, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना? तो जनरली करंट रेशियो शुड बी 2:1। नेक्स्ट सी पार्ट, चलो भाई वन सेंटेंस आंसर वन। अभी डायरेक्ट आंसर लिखना रहे हो? वाइज पार्टनरशिप डिड नेसेसरी, बोलो क्यों नेसेसरी है? टू अवॉइड disputes and misunderstandings, simple, है ना? तो partnership deed is necessary to avoid disputes and misunderstandings between the partners. खत्म। इतना ही लिखता हूं मैं तो, यही main crux है। आपको और कुछ add करना है तो add कर सकते हैं, बट जो भी करोगे one sentence हाँ, full stop डाल के, in other words, it means, so, सब मत लिखना, marks कटेगा, ध्यान रखना। partnership deed is necessary to avoid disputes and misunderstandings between the partners. Khatam. Answer 2. स्टेट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है ना, तो कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल्स, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, लोन रीपेड, बस ना और क्या, और बहुत कुछ है क्या, रेंट पेड, इंश्योरेंस पेड, जो भी पेड आउटस्टैंडिंग जाने वाला है उसको कैश आउटफ्लो बोलेंगे। सिंपल बोलूं क्या, एनपीओ का रिसीट पेमेंट्स अकाउंट होता है ना, उसमें कौन सा साइड, पेमेंट्स वाला साइड जो है, दैट इज कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब कैश जाना, कैश इनफ्लो मतलब कैश आना। ये वो वाले टॉपिक में एओएफएस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? बट सिंपल है, कुछ खास, डन। कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते, चलो लिख देंगे। What is meant by retirement of partner? क्या होता है retirement of partner? मतलब partner क्या करता है firm को? क्यों छोड़ता रहेगा? उम्र, personal problems और health, बहुत बढ़िया। और कोई और self interest, कई और firm में ज़्यादा profit मिलता होगा, क्या बात है। और सबसे important point तो नहीं बोला, और current में कोई partner के साथ dispute है, और etcetera। हाँ चलिए, so what is retirement of partner? Retirement of partner एक process है जिसमें partner firm छोड़ देता है। क्या reason है, वो reason लिखेंगे, खत्म, done। चलिए ये साथ साथ करते हैं। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज अ प्रोसेस इन विच अ पार्टनर लीव्स द फर्म बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज कॉमा disputes with the partners, हाँ तीन हो गया ना, तीन हो गया, एटसेट्रा मतलब तीन हो गया ऐसा। आंसर 4, what do you mean by sacrifice ratio? Come on tell me, क्या होता है sacrifice ratio? अरे what is sacrifice ratio? किसके लिए होता है sacrifice ratio? पहले तो बताओ। नए के लिए sacrifice है, सैक्रीफाइस रेशो कौन बोलेगा, किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रीफाइस है ना, तो सैक्रीफाइस रेशो किसके लिए? ओल्ड के लिए ना, मतलब सैक्रीफाइस रेशो का कॉन्सेप्ट इज फॉर ओल्ड पार्टनर्स। होता क्यों है सैक्रीफाइस रेशो? क्योंकि नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर आने से ओल्ड वालों को सैक्रीफाइस करना पड़ता है फ्यूचर प्रॉफिट्स, हाँ या ना? ठीक, चलिए। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स अपना हिस्सा दे रहे हैं ना,
कि नहीं? ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर दे रहे हैं किसको? न्यू पार्टनर को, बराबर। तो अपना हिस्सा शेयर दे रहे हैं ना, सरेंडर कर रहे हैं लिखते, वो ठीक है ना, ज्यादा अच्छा है शेयर देना, दे आर नॉट गिविंग इट, दे आर सरेंडरिंग इट। तो व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर फॉर द न्यू पार्टनर, देन इट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। आर यू गेटिंग? द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर फॉर द न्यू पार्टनर और फॉर द न्यू इनकमिंग पार्टनर, ऐसा भी लिख सकते हैं, और द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। अपन ने स्टेटमेंट स्टार्ट किया है द रेशियो के साथ ना, तो हम वही बोलना चाह रहे हैं, द रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं फॉर द न्यू पार्टनर, दैट रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। तो दैट रेशियो लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग बाय द वर्ड द रेशियो ना, तो फिर ठीक है, वो रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, कौन सा वाला लिखा तो है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज लेगेसी? क्या होता है लेगेसी? मैंने पढ़ाया तो था, जो मरने वाला है, एक्चुअली मरने वाला नहीं, जो मर जाता है एक्चुअली। लेगेसी किसको मिलता है? हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो एनपीओ को मिलता है लेगेसी ना, किसके पास से? कौन से व्यक्ति से? जो व्यक्ति ने अपने विल में किसका नाम लिखा रहेगा? एनपीओ का। मतलब व्यक्ति ने क्या बोला रहेगा, अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी, कैश, बैंक बैलेंस जो भी है, सब किसको मिलना चाहिए? एनपीओ को। तो एनपीओ को जो मिलेगा, दैट इज नोन एज लेगेसी। तो ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट या प्रॉपर्टी या एसेट रिसीव्ड बाई दी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, आया ना, किससे मिला? डोनर से, बराबर ना, अकॉर्डिंग टू हिज विल, दैट इज नोन एज लेगेसी, यस और नो? तो लेगेसी इज द अमाउंट। चलो स्टार्ट करते, हो गया, बन गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अमेजिंग ऑडियंस। लेगेसी इज द प्रॉपर्टी और एसेट और अमाउंट ऑफ कैश और बैंक बैलेंस रिसीव्ड बाय दी, कम ऑन टेल मी, रिसीव्ड बाय दी, हाँ चलो चलो करो करो लिखते जाओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना प्लीज, वन सेंटेंस है। लेगेसी इज दी प्रॉपर्टी और एसेट और अमाउंट ऑफ कैश और बैंक बैलेंस रिसीव्ड बाय दी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम दी डोनर एज पर, हाँ एज पर, सिर्फ हिज विल लिखने से अच्छे से लिखते, उसके विल के अंदर जो प्रोविजंस रहते हैं वही ना, रूल्स भी लिख सकते हैं, बट बेटर देन रूल्स वी शुड राइट प्रोविजंस। सो फ्रॉम द डोनर एज पर प्रोविजंस ऑफ हिज विल, हिज विल, खत्म। डी पार्ट, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? कम ऑन, सेंटेंस और आंसर। इट इज कंपल्सरी टू हैव अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट इन राइटिंग। सॉरी, डिसअग्री ना, कंपलसरी सिर्फ, हाँ तो ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, तो डिसअग्री कंपलसरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बोलो, हाँ ऑब्वियसली डेबिट ऑल वही चलता था, फिर अग्री, आई अग्री विद द स्टेटमेंट। लेट्स सी आगे, अ पार्टनर हु डाइड इज नोन एज डिसीज्ड पार्टनर, यस। टेक्निकल टर्म है कॉमर्स वाले इसमें। नेक्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ कंडीशनल ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम कंडीशन लिखते, अगर तेरे पास पैसा होएगा 2 महीने बाद तो ही भरना, तो फिर डिसअग्री ना,
इट इज नॉट अ कंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल है, तेरे को देना च कंडीशन किधर है, कुछ कंडीशन है कि हम बोला वैसा होना चाहिए, हाँ 3 months after the date pay me or my order the sum of rupees 4000 only for the value received, देना च पड़ेगा, खत्म. The authorized capital is also known as nominal capital, agree, ये याद रखिए, important term है. Authorized capital is also known as nominal capital. Answer. आप आगे जा सकते हो, मेरे से पीछे तो मत रहना, बस उतना कन्फर्म. चलो भाई, हो गया समाप्त. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. पीटर एंड लारा आर पार्टनर्स इन फर्म. चलिए सबसे पहले तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कैपिटल और बैलेंस शीट कॉलम्स रेडी रखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 इन द बुक्स ऑफ फर्म लिखूंगा मैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 लोग, पीटर, लारा, हेसा. Capital as on 1st April 2020. Peter Lara Hessa. Working में बनाने का है cash at bank, तो bank account. तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक करूंगा मैं. तो हेसा हैज टू पे कैपिटल, गुडविल टिक नहीं करना है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:1 है, मतलब अपने को सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें. फिर आगे एसेट्स आर रिवैल्यूड, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग प्लांट मशीनरी छोटा छोटा एकदम. उसके बाद आरडीडी, क्रेडिटर्स को टेक. ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू विड्रॉ हाफ द गुडविल, ठीक है, क्रेडिटर्स टेक और कुछ नहीं, बहुत बढ़िया. सॉल्विंग स्टार्ट करूंगा मैं. सबसे पहले एसेट्स के साथ कैश एट बैंक जाएगा, बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. तो ऐसे भी रफ है, हो गया. फिर सन्ड्री डेटर्स 21,000, एसेट इनर कॉलम 21,000, बिल्डिंग बाद में, बिल्डिंग आएगा 36,000 इनर कॉलम. एक टिक है. स्टॉक 24,000 सीधा बाहर. फर्नीचर 5,000 सीधा बाहर. प्लांट एंड मशीनरी 30,000 टिक है, इनर कॉलम. हो गया. लाइबिलिटीज में सबसे पहला कैपिटल 40,50, पीटर लारा. फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000 टिक है. बिल्स पेबल 5,000 सीधा बाहर. डन, मेरा बैलेंस शीट हुआ समाप्त. आगे हेसा हैज टू पे 50,000 एज अ कैपिटल. तो हेसा 50,000 पे करेगी किसको, फर्म को, हमको. तो हमको 50,000 रुपया मिलेगा, हम बोलेंगे 50,000 रुपया आया डी डेबिट, पैसा इस बार आएगा बैंक में. तो बैंक डेबिट टू हेसास कैपिटल. कितना लाया भाई, 50,000 रुपया. सेकेंड इफेक्ट, टू का सेकेंड इफेक्ट, बाय बाय बैंक 50,000 हेसा के कॉलम में. आगे फिर हेसा ने गुडविल भी लाया 20,000 रुपया. तो बिजनेस में गुडविल का पैसा आया, बैंक में पैसा आया, हम बोलेंगे पैसा आया डी डेबिट, पैसा इस बार बैंक में आया, तो बैंक में आया डेबिट टू गुडविल अकाउंट. कितना, 20,000 रुपया. और ये 20,000 गुडविल हम बांटेंगे किसको, ओल्ड पार्टनर्स को. तो बाय गुडविल,
पर अभी ये गुडविल बांटना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स पीटर लारा, ठीक है, बट ये गुडविल बांटना पड़ेगा सैक्रीफाइस रेशियो में, क्योंकि नया पार्टनर जब गुडविल आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रीफाइस रेशियो में ही बटता है। बट क्या हम हर क्वेश्चन में सैक्रीफाइस रेशियो ढूंढते हैं? क्योंकि सैक्रीफाइस रेशियो नॉर्मली ओल्ड रेशियो जैसा हिच होता है, पर इस क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। रीजन क्या? अगेन अभी मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं हाईलाइट भी, लेट आप कर सकते हो। न्यू रेशियो 5:3 है, देखो न्यू रेशियो बोला है 5:3:2, सीक्वेंस क्या रहेगा? ओल्ड ओल्ड बराबर ना, पुराना ओल्ड, ये वाला न्यू, तो ओल्ड ओल्ड कौन थे? पीटर लारा। पीटर और लारा पहले कैसे बांटते थे? 3:2। अभी कैसे बांटने वाले? मतलब इनका नया शेयर बदला है, तो जैसा ये पहले बांटते थे अभी वैसा बांटेंगे नहीं, तो इनका सैक्रिफाइस भी चेंज हुआ रहेगा, सिमिलर सैक्रिफाइस नहीं होगा। सिमिलर किसके जैसा नहीं होगा सैक्रिफाइस? ओल्ड जैसा, मतलब सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। गुडविल तो बांटते हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में जो है, सिर्फ सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट हर क्वेश्चन में नहीं करते, न्यू रेशियो दिया रहेगा तो करते, और न्यू रेशियो में अगर ओल्ड वालों का हिस्सा पहले के हिसाब से नहीं है बदला तो करेंगे। गेटिंग? चलो विल हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। अपने को बताइए ट्रिक क्या है सैक्रिफाइस रेशियो का? सन, सन माने SON, ओल्ड माइनस पहला वर्किंग सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पहला है पीटर, फिर है लारा, बहुत बढ़िया। पीटर ओल्ड है 3/5, लारा का ओल्ड है 2/5, न्यू 5/10। ध्यान रखना अभी ये दोनों मत लेना, इसका शेयर है पीटर का 5/10 और ये 3/10, ठीक है ना? तो नया 5/10 3/10, सो लेट्स सी व्हाट इज द सैक्रिफाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 जा 30, 5 5 जा 25, अपॉन 10 5 जा 50, फिर 10 2 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, अपॉन 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 30 माइनस 25, 5 अपॉन 50, फिर 5 अपॉन, वाओ इसका मतलब क्या? बहुत बढ़िया, 5:5 बराबर की नहीं, मतलब इक्वल, देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू 5:5, दैट इज इक्वल टू 1:1, दैट इज इक्वल टू इक्वल, मतलब इक्वल शेयर कर रहे, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो गुडविल कितना था? 20,000, कैसा होगा इक्वल? 10 और चलो भाई कर देते हैं 10 10,000, पीटर शाणा है, मतलब पीटर बोलता है प्रॉफिट मेरे को ज्यादा चाहिए, पर मैं सैक्रिफाइस तेरे जितना ही करूंगा, मैं ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, हिस्सा को लाना है फॉर्म में तो ला। ओके ग्रेट डन, इतना ही था और तो कुछ नहीं है। एसेट्स आर रीवैल्यूड, चलो भाई बिल्डिंग 50,000 पे, प्लांट मशीनरी 24,000, बिल्डिंग 50, 36 का 50 हो गया, बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी 24 कम हो गया, ठीक है। एड एप्रिसिएशन, हाउ मच एप्रिसिएशन? 14,000, और प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन 6,000। चलो भाई बिल्डिंग क्रेडिट, प्लांट मशीनरी डेबिट, RDD to be maintained at 10%, चलो फिर RDD को 10% पे लेके आना है, तो less RDD 10%, माने 2,100 बाहर चला जाएगा, 900 3 8 18,900। पहले RDD कितना था? 1,000, अभी हो गया 2,100, 1,100 से बढ़ गया, तो loss 1,100 to RDD 1,100। Done. Easy. The old partners decided to withdraw half the amount of goodwill. चलो भाई कितना goodwill मिला partners को? Check करते हैं। 10 10,000 ना? हाँ। इन्होंने 5 5,000 withdraw कर लिया, तो firm से पैसा गया। Firm से पैसा गया तो action के साथ पैसा गया see credit। पैसा माने bank, तो bank से गया credit buy। दो लोगों ने निकाला, कितना कितना? 5 5,000। दो लोगों ने पैसा निकाला, withdraw किया। Peter ने और Lara ने, तो buy Peter, buy Lara's। कैपिटल अकाउंट,
बाय का सेकंड इफेक्ट टू टू बैंग. इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स है, यस और नो, अग्री और डिसअग्री, कम ऑन जल्दी से, ट्रू या फॉल्स, ये ड्रॉइंग्स है और क्या ही है, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग्स ही हुआ, डेबिट ड्रॉइंग्स, डी ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बढ़ते जाएगा, डेफिशिएंसी बढ़ते जाएगा. अरे कल ही देखा ना, डेबिट ज्यादा, तो अगर कैपिटल का डेबिट ज्यादा है तो दैट सिचुएशन इज नोन एज डैश कैपिटल डेफिशिएंसी. बहुत बढ़िया. लास्ट क्रेडिटर्स 33,000 पे वैल्यू करना है. चलो किधर गया भाव, अरे 3,000 पड़ गया रे, चलो ठीक है. एड रिवैल्यूएशन, मगजमारी नीचे बिन मतलब 3,000, तो लॉस है अपना क्योंकि और पैसा जाएगा, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000. इसी के साथ मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त. अब करेंगे क्लोजिंग. चलो भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्लोज करूंगा. 6, 7, 3, 10 क्रेडिट ज्यादा है 14,000. टू प्रॉफिट, ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कैपिटल कैपिटल किधर, कैसा किधर बोलते हैं ये कैपिटल कैपिटल, हाँ इतने का टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है ओल्ड ओल्ड, कौन कौन है, पीटर एंड लारा, ऑब्वियसली ओल्ड, एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स. 900 रुपया, 1 और 9 10 1 7 8 3 11 3 14, 3,900 रुपया आया मेरे को प्रॉफिट, विच विल बी शेयर्ड इन टू टू लोग ओल्ड रेशियो में. ओल्ड रेशियो इज 3:2, ध्यान से रहे हो. 3,900 × 2/5 5 1 5 7 35 4 5 8 40 0 780 × 2 2 0 0 2 8 16 2 7 14 115 1560 और 780 × 3 24 3 7 23 2 3 4 0 total 4 6 10 1 4 5 9 2 1 3 2340 1560 आ गया. 4 6 10 4 5 9 2 3 4 0 1560 2 3 4 0 1560 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट खत्म. पूरे कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करेंगे. क्रेडिट साइड ज़्यादा है वही छोना चाहिए, जो बचेगा सीधा बैलेंस शीट, झंझट ही नहीं. 52,340 61,560 50 52,340 61,560 50 जो बचेगा जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन में. 5,000 माइनस करो 47,340 5 माइनस किया 56,560 और ये 50 56,560 4 6 10 4 5 9 13 5 5 10 5 15 153,900 अभी बैंक का बैलेंस. 80 70,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. कैश एट बैंक 70,000 चलो भाई टैली. 6 5 11 1 6 3 9 190 1900 8 4 12 5 17 2 3 8 5 8 10 12 7 19 191,900 पे हो गया टैली. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, डिसोल्यूशन. लेट्स प्रोसीड. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट. क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म.
उनका नाम मेरे को तो नहीं लगता है दिया हुआ है, नहीं दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, चलो भाई नाम ओम शांति। बैंक अकाउंट भी इस बार फेयर है, मेन सॉल्यूशन है। चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन में बहुत सिंपल है, हम एसेट और लाइबिलिटीज को जमा करते हैं, एसेट्स बेचते, पैसा आता लाइबिलिटी पे करते, लास्ट में जो बचेगा पार्टनर्स को बांट देते। तो सबसे पहला एसेट लाइबिलिटी जमा करेंगे, पहले करेंगे एसेट्स को जमा। तो एसेट्स जमा होगा रियलाइजेशन के डेबिट में। चलो भाई शुरू करेंगे। टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स क्या क्या है, बिल्डिंग स्टॉक, ग्रेटेस्ट प्लांट, बिल्डिंग्स स्टॉक, डेटर्स प्लांट 250, 55, 35 एक 250, 55, 35 एक 5, 5, 10, 6, 5, 11, 3, 14, 3 और 1, 4, 4,40,000 परफेक्ट। इधर से भी मिल जाता है, 55 माइनस करेंगे 4,40,000। पूरे कैश एट बैंक जाएगा बैंक के डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। ये हो गया बी कैपिटल्स अकाउंट, करंट अकाउंट, और फिर बाकी आउटसाइड लाइबिलिटी। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 2,00,000, 1,50,000 करंट अकाउंट के क्रेडिट में 18 और 12, लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, 18, 12 बिल्स पेबल क्रेडिटर्स 25 और 90 रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बिल्स पेबल क्रेडिटर्स ₹25,90,115,000 हो गया एसेट लाइबिलिटी जमा। अब एसेट्स पे रियलाइज्ड, एसेट्स बेचा, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, एसेट्स बेचा। तो बिजनेस से एसेट गया तो बोलो बाय, एसेट गया और पैसा आएगा किधर, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन को क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड प्रॉफिट्स, एसेट बिक रहा है तो पैसा आ रहा है तो इनकम भी है मेरा। स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, प्लांट, बिल्डिंग, क्या जबरदस्त सीक्वेंस है। एक मिनट देखो, लिक्विडिटी दिख रहा है, लिक्विड एसेट पहले बिक रहा है, फिक्स्ड वाला बाद में, वैसे ही होगा, जल्दी यही बिकेंगे। 50, 25, 80, 2,00,000 50, 25, 80 और फिर 2,05,7,8,15,1,3 सो 3,55,000 डबल इफेक्ट। एसेट्स बेचा, बाय बैंक, बैंक में 2, रियलाइजेशन अकाउंट। आगे पहला हो गया, दूसरा ओम अग्रीड टू पे ऑफ बिल्स पेबल, पे ऑफ बिल्स पेबल, पे मतलब खर्चा, खर्चा माने एक्सपेंस, एक्सपेंस माने डेबिट, तो रियलाइजेशन को डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस तो हमारा ही है, फर्म का है, पे कोई और कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, खर्चा तो हमारा ही है ना, तो 2, हाँ पे कौन कर रहा है, ओम, तो 2 ओम, सिंपल, हम पे करेंगे तो 2 बैंक, हम पे करेंगे 2 बैंक क्योंकि पैसा जाएगा, हम नहीं पे कर रहा है ओम। इस बार करंट अकाउंट बना ना, तो कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड, ऑब्वियसली तभी करंट बनता है, कैपिटल फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है सिर्फ पीएफए में ही होता है वो, फिर डीओपीएफओ, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, कुछ भी हो तो करंट बन रहा है, मतलब कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड। तो सारे एडजस्टमेंट किधर से करते, करंट से। तो चलो भाई 2 तो लिख दिया था, बिल्स पेबल पे किया है, पे किया हमारा खर्चा, हमारा खर्चा तो अपने एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, डेबिट में 2, पे कौन कर रहा है, ओम, तो 2 ओम्स, करंट अकाउंट इस बार, ध्यान से। बिल्स पेबल पे ऑफ कितना, 25,000, बिल्स पेबल टेकन ओवर, बाय
रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया 25,000 बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे और क्या। क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ 80,000, क्रेडिटर्स 80,000 पे किया और डिजोल्यूशन का खर्चा 5,000 पे किया, लिख देंगे दोनों एक साथ। पे कर रहे हमारा खर्चा, खर्चा एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट, डेबिट में टू बैंक अकाउंट क्योंकि हम पे कर रहे हैं। क्या क्या पे कर रहे हैं? क्रेडिटर्स और डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना बोला है? क्रेडिटर्स 80,000 और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,000, 80,000, 5,000। एडी 5,000 टू बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एडी 5,000। नेक्स्ट क्या चीज चेक करनी है? सारे लाइबिलिटीज पे हो गए या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन में बिल्स पेबल, हाँ टेक ओवर हो गया था, क्रेडिटर्स पेड, डन, क्लोजिंग। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, कौन सा साइड ज्यादा? ऑब्वियसली डेबिट ज्यादा, क्लियर एकदम ना। 440 और 100,000 तो 540, इधर 460, चलो भाई फिर 5,2,7,8,15, 7,8,15, 5,50,000 लॉस एट बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान से, ओम शांति। पे कितना बचता है? 0,0,0, 5, 5, 10, 1, 2, 5, 7, 8, 15, 1, 2, 3, 5, 80,000 रुपया। एंड वॉट वॉज दी शेयर? लेट सी, 3:2, 80,000 रुपया, 80,000, 3:2, 5, 16 से मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 32,000 और 48,000 आता है मेरे को, आ गया ओवरली 48 और 32,000। By loss to realization account current में bracket में loss 48 and 32, इसका balance आएगा partners capital में, कौन सा side ज्यादा? debit, चलो सही 48, 32। अलग अलग भी आ सकता है, एक का डेबिट एक का क्रेडिट, पता है ना, तो एक एक का नाम लिखने का फिर, मतलब अभी डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में सीधा क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्योंकि एक साथ है, अलग अलग आया तो बाय ओम कैपिटल टू शांति ऐसा। हाँ 8, 5, 13, 5, 18, 1, 2, 2, 4, ठीक है 12, 20,000, चलो भाई बाय पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स करंट 5 और 20। क्रेडिट ज्यादा है, दो लाख 1.5 लाख, ये हो रहा है टैली, इसमें कुछ नहीं ना। चलो बाय ओम्स कैपिटल बाय शांतिस कैपिटल बाय ओम्स कैपिटल अकाउंट बाय शांतिस कैपिटल अकाउंट 195, 130। टोटल बैंक 0, 9 to 18, 3, 21, 2, 3, 4, 4,10,000, 4,10,000 पे हो गया टैली। यहाँ पे कितने लोग का टैली? हाथ ऊपर जल्दी। अच्छा टैलीड, तो 345 से स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इशू ऑफ शेयर्स। हाँ भाई इसको कितना टाइम है? 20 मिनट। हाँ सारा एंड कंपनी लिमिटेड,
चलो स्टार्ट। सारा इनकम्प्लीट इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो चलो भाई इक्विटी शेयर सबसे पहले तो इशूड और अप्लाइड का रिलेशनशिप लिख दूंगा मैं। इशूड अप्लाइड, इशू किया है 20,000 और एप्लीकेशन मिला 30,000। 20,000 इक्विटी शेयर्स, 30,000 इक्विटी शेयर्स, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है 10,000 का। ठीक है, पहला ऑन एप्लीकेशन क्या है? ऑन एप्लीकेशन 30,000 एप्लीकेशन हमको मिले तो 20 रुपया टोटल लेता एक बार, 20, 35, 55 और 4500। सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो पैसा तो पूरे एप्लीकेशन 30,000 पे मिलेगा अपने को, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन मिला कितना रुपया? 20 रुपया, एप्लीकेशन का 20 रुपया ऑन 30,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब रुपया 3 2 6 20 और 30 6 लाख, 6 लाख रुपया मिलेगा। चलो भाई 6 लाख रुपया मिलेगा, ले लेंगे 6 लाख रुपया, हम बोलेंगे पैसा आया, आया डी डेबिट, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 6 लाख रुपया काहे का पैसा आएगा एप्लीकेशन का, तो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का हमको पैसा मिला 30,000 शेयर्स पे, पर पूरा तो हम रख नहीं सकते, थोड़ा रखेंगे और बाकी का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10,000 शेयर्स पे रिजेक्ट करना है, रिफंड करना है। चलो ठीक, रिजेक्ट एंड रिफंड, हाँ 20,000 इक्विटी शेयर्स, रिजेक्ट रिफंड 10,000 इंटू 20 रुपया, 2 2 4 0000 4 लाख, 2 लाख एक्सेप्ट कैपिटल में, रिजेक्ट रिफंड बैंक, टू कैपिटल टू बैंक। चलो भाई हो गया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख और 2 लाख रिफंड, तो 2 बैंक अकाउंट, रिफंड करेंगे तो बैंक से पैसा जाएगा, हम बोलेंगे बैंक से पैसा गया, सी क्रेडिट, 2 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, यस एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट की बारी, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन बोथ कॉलम्स, पूरा पैसा मिल गया तो अलॉटमेंट मनी 35 रुपया सिर्फ 20,000 शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स 35 × 2 = 70, फिर 1 2 3 4 7 लाख रुपया खत्म। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू माने पैसा आने वाला है, फिर पैसा आएगा 7 लाख पूरा, तो अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है डेबिट, अलॉटमेंट को डेबिट, टू ये जो पैसा आएगा कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा मालिक का है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर पैसा आएगा अलॉटमेंट का तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों बैंक में पैसा आएगा तो हम बोलेंगे बैंक में पैसा आया, एक्शन के साथ आया डी डेबिट, टू काय का पैसा है अलॉटमेंट का, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, ऑन फर्स्ट कॉल और फिर है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलो ऑन फर्स्ट कॉल 25 रुपया,
अगेन 20,000 शेयर्स ही रहेंगे, 25 × 2 = 50 और 4 शून्य 5 लाख रुपया। ड्यू रिसीव इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये जो पैसा आएगा वो जाएगा कैपिटल में। पेइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिर रिसीव टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पेइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल 20 रुपया। इक्विटी शेयर्स 2 × 2 = 4 5 शून्य 4 लाख। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख। पिंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फिर पैसा मिलेगा तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, शेयर इशू एक्सपेंसेस 9th वाला, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपया पे किया ना। बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड, टोटल 6, 6, 12, 12 और 14, 12 और 7, 19, 19 और 7, 26, 531, 536, 36, 40, 44, 44 लाख 5000। सीधी बात है 5,000 तो आई गई, फिर 20 लाख का सो तो ये 20 लाख का डबल 40 लाख आएगा, 40 लाख और 5,000 और 10,000 एक्स्ट्रा मिला है, 10,000 शेयर्स पे 20 रुपया तो 2 लाख एक्स्ट्रा, तो 2 का डबल 4 44 5 आ गया। टर्न कितने क्वेश्चन बाकी है? 3। कितना टाइम बाकी है? 1.5 घंटा बाकी है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 5। 5 मिनट ले लो कॉलम्स, ऐसे ही करना, इधर वीडियो पॉज, 5 मिनट कॉलम्स, फिर साथ में सॉल्व। चलिए भाई करता हूँ स्टार्ट। क्या बनाने का है अपने को? रानीज कैपिटल अकाउंट। मरा कौन? रानी। ओके, तो रानीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। रानीज कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म
वंकिंग करना है, गुडविल का और प्रॉफिट का अच्छे से करना है डिटेल में। कर लेते फिर स्टार्ट। सुप्रिया माधुरी एंड रानी वर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ थ्री। करना क्या सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ के टिक। चलो पेंसिल। मशीनरी रिवैल्यू करना है, फर्नीचर रिवैल्यू करना है, मशीनरी फर्नीचर। ड्रॉइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक नहीं करना है, शेयर ऑफ गुडविल टिक नहीं करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिक नहीं करना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट फिगर्स ठीक है, दो ही टिक है। चलो भाई सॉल्व करना शुरू करेंगे। अपना प्रोसेस सेम रहेगा पूरा, अपन लाइन से बातें करेंगे। मशीनरी जाएगा एसेट, फर्नीचर एसेट, डेटर्स एसेट, कैश, कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सब बनाना ही नहीं है। लाइबिलिटीज में पहले पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। रानी मरी है तो रानी का ड्रॉ करना, रानी का कैपिटल रिकॉर्ड करना है। रानी मर गई है उसके ऊपर क्रॉस और इधर भी कट। 31st December को मरी है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 months, छोटा सा 9M बस। ठीक है आगे चलते हैं। तो रानी इस कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे 20,000 रुपया। रानी के कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपया। क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व यस बांट देंगे। क्या रेशियो 3:1:1, 3:1:4:1:5, तो 3,000, 1,000, 1,000 एकदम सिंपल। तो रानी को मिलेगा 1,000 रुपया जनरल रिजर्व का। चलो बाय जनरल रिजर्व 1,000 रुपया। वर्किंग का भी जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1:1, तो 3:4, 3:1:4 और 1:5, तो 5,000 3:1:1 में बांट देंगे। मशीनरी रिवैल्यू 46,000, तो मशीनरी 46 का हो गया, 6,000 से बढ़ गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बाय मशीनरी अकाउंट 46 हो गया, तो 6,000। हाँ नेक्स्ट फर्नीचर 29,000 पे रिवैल्यू किया था, 30, 29 हो गया, 1,000 रुपया कम हो गया फर्नीचर का, तो लॉस टू फर्नीचर अकाउंट 1,000। ड्रॉइंग्स ऑफ रानी अप टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंटेड टू 12,000। रानी का ड्रॉइंग्स, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, रानी की कैपिटल में डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 12,000 रुपया। डेबिट द रिसीवर, लिया उसने पैसा तो ड्रॉइंग्स है, डेबिट ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। चलो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, उस पर 10% 9 महीनों के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देंगे रानी को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। याद है ना, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी खत्म। आगे अभी गुडविल, हर शेयर ऑफ गुडविल क्या बोला है, कैलकुलेट करना है 2 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट, तो 4 साल का एवरेज निकलेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आएगा, फिर उसका शेयर निकालेंगे। चलो फिर एवरेज प्रॉफिट 70, 60, 30, 40। कैलकुलेशन ऑफ रानीज शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले एवरेज प्रॉफिट 70, 60, 30, 40, 70, 60, 130, 160, 2 lakh डिवाइड बाय 4, 50,000, 50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 50,000 इंटू 2 years परचेज 1 lakh, therefore गुडविल इज इक्वल टू 1 lakh। नाउ रानीज शेयर ऑफ गुडविल 1 lakh इंटू 1/5 था मोस्टली, 1/5 परफेक्ट, दैट इज इक्वल टू 20,000। तो रानी का गुडविल आया 20,000, उसको मिलेगा, उसका फायदा, उसको क्रेडिट बाय गुडविल अकाउंट 20,000। और ये गुडविल उसको बाकी 2 लोग देंगे ना, तो अगर पूरा कैपिटल बनाते हम सबका तो बाकी दोनों को हम डेबिट कर देते ओल्ड रेशियो में ही, एक्चुअली गेन रेशियो में होना चाहिए, पर न्यू वगैरह कुछ दिया नहीं ऐसा, तो फिर वही होगा।
फिर हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. व्हाट इज द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट? 40,000 लेटेस्ट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट. इधर ईयर दिया नहीं, ध्यान रखना वैसे ही होता है ना. देखो ना रे, ये पिछले साल, फिर उसका पिछला, उसका पिछला, उसका पिछला, बराबर की नहीं, वैसे ही है ना. हाँ, तो एकदम लेटेस्ट लास्ट ईयर इज 40,000 प्रीवियस, 40,000 प्रॉफिट के ऊपर उसका शेयर. तो चलो फिर रानीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हर डेथ. रानीज share of profit up to her death. Profit for previous year is how much? 40,000. Profit for 9 months. Three threes are three, fours are four, ones are four, tens are ten thousand, ten into three, thirty thousand. So thirty thousand is the profit for nine months. Now Rani's share, thirty thousand into one by five, that is six thousand. तो रानी शेयर, रानी को मिलेगा प्रॉफिट, उसका फायदा, उसको क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल नहीं है. 6,000 इसका सेकंड इफेक्ट जाता है एसेट्स में, जो हम बना नहीं रहे. आगे हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर प्रीवियस ईयर हो गया, डन. चलो क्लोजिंग, पहले क्लोज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अरे वर्किंग नोट है ना, कितना आता है प्रॉफिट? 5,000. उसमें से रानी को कितना मिलेगा? 1,000 ना, मतलब 3,000, 1,000 और 1,000. ये रानी, खत्म. अरे ऐसा कर सकते हैं ना रफ में, बस बाकी दो लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं है कुछ. 1,000 रुपया रानी को दे दो. चलो टू का सेकंड इफेक्ट बाय बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट मध्ये प्रॉफिट 1,000 रुपया. क्लोज कर देते, क्रेडिट ज्यादा है, यस. जो बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हर एग्जीक्यूटर्स. लोन अकाउंट 500, 6, 8 और 1, 9, 2 और 2, 4, 49,500 बराबर 37,500 टू रानीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. शुरू करें एनपीओ क्वेश्चन नंबर 6. चलो सबसे पहले तो टिक, 5,000 स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स, इनकम फ्रॉम विजिट को टिक. कंपाउंडर सैलरी, बिल ऑफ स्टेशनरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी. कंपाउंडर सैलरी, बिल ऑफ स्टेशनरी, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी. 25% कन्वेयंस फॉर प्राइवेट पर्पस, कन्वेयंस, ड्रॉइंग्स, फिर स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड, तो ड्रग्स को टिक. फर्नीचर इक्विपमेंट अप्रिशिएट करना है, फर्नीचर इक्विपमेंट को टिक. चलो भाई डन, स्टार्ट करते. ओपनिंग ओपनिंग कुछ भी नहीं है, खड़ा खड़ा हो जाएगा. चलो भाई पेमेंट्स के साथ स्टार्ट. फर्नीचर 40,000, एसेट टिक है. ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 10,000, एक्सपेंडिचर. इक्विपमेंट्स 50,000, एसेट इनर कॉलम टिक है. परचेज ऑफ ड्रग्स 10,000 टिक है. खर्चा कंपाउंडर सैलरी 12,000 टिक है. रेंट ऑफ डिस्पेंसरी 6,000 टिक है. जितना हो सके एक लाइन में लिखो. स्टेशनरी 600 रुपया टिक है. ऑपरेशन एक्सपेंसेस 8,000 रुपया.
काउंटर कर देंगे। एग्जाम में मान लो अलग लिख दिया तो 100% करेक्ट, कुछ टेंशन ही नहीं, कट बीट करते मत बैठना, ठीक है ना। चलो भाई, ऑपरेशन एक्सपेंसेस, रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन, कॉन्ट्रा, और तो कुछ कॉन्ट्रा नहीं है, ठीक। तो बाय रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस 10,000, लेस ऑपरेशन एक्सपेंसेस 8,000, बार 2,000, आगे लाइटनिंग 400 रुपया, लाइटनिंग जर्नल्स न्यूज़पेपर्स टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटनिंग जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स टेलीफोन एक्सपेंसेस 400, 800, 500। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 7,200, कन्वेंस 2,000, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश बैलेंस 14,000, हो गया क्रेडिट साइड, आई मीन पेमेंट्स हो गया। रिसीट्स कैश इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल फंड 30,000, इनर कॉलम। टू इनकम फ्रॉम विजिट्स 40,000, ठीक है। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी 80,000, मिसलेनियस रिसीट्स 1,000, इंटरेस्ट रिसीट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 500,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 500, टू रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन फीस ये हो गया। 5,000 वे स्टिल टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ विजिट्स, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे आएगा 45, पैसा आने वाला है एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम फ्रॉम विजिट्स 5,000, कंपाउंडर सैलरी ये सब आउटस्टैंडिंग है 3,000, 1,000, और स्टेशनरी 1,000, डिस्पेंसरी 1,000, स्टेशनरी 1,000, रेंट नेक्स्ट कन्वेंस चार्जेस का 25% प्राइवेट यूज, मतलब ड्राइंग्स ना, लेस ड्राइंग्स 25% माने 500, आधे का आधा, लेस ड्राइंग्स, स्टॉक ऑफ ड्रग्स ऑन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 2,000, ड्रग्स लेस एलसी याद है क्या, लेस क्लोजिंग स्टॉक,
फर्नीचर और इक्विपमेंट्स पे 10% डेप्रिसिएशन। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इक्विपमेंट 4-5। डन रेडी टू क्लोज। कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट साइड 500, 2, 5, 7 और 1, 8, 4, 8, 12, 1,28,500। क्रेडिट ज्यादा है मतलब सरप्लस, 2 सरप्लस कितना आ रहा है? 4, 8, 12, 5, 17, 5, 22, 3, 25, 2, 10, 11, 9, 20, 8, 2। ओके, छः, 4, 10, 8, 18, 7, 35, 3, 8, 11, 5, 16, 7, 23, 24, 25, 34, 4, 38, 3, 4, 5, 5 and 7, 12, 74,700 is the amount of surplus। लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सही है। चलो भाई 74,700 ऐड, ₹1,09,000 पे हो गया टैली। चलो कॉलम्स 451 जल्दी से, नैना एंड कबीर देख लो पहले, रे कैपिटल है करंट है रे। चलो भाई स्टार्ट, नाम भी लिखो। चलो क्वेश्चन 7, क्या है इन द बुक्स ऑफ नैना एंड कबीर? 31 मार्च 2017, शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और टिक कर देंगे। स्टॉक नहीं टिक करना है, प्लांट मशीनरी पेटेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, सैलरी वेजेस एडवर्टाइजमेंट, सैलरी वेजेस एडवर्टाइजमेंट, एडजस्टमेंट नहीं की मजा, गुड्स कॉस्टिंग वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। चलो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000, वेजेस 17,000 रुपया, एक टिक। बिल्स रिसीवेबल 30,000, रिटर्न इनवर्ड 5,000, रिटर्न डेबिट वाला क्रेडिट से लेस, खत्म, दिमाग ही नहीं लगा, लेस रिटर्न 5,000, डेटर्स 1,25,000, टिक। ₹2,25,250, मशीनरी 1,00,000, टिक। परचेजेस 2,70,000,
गुडविल 25,000, पेटेंट्स 20,000, गुडविल 25, पेटेंट्स 20, कैश एट बैंक 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 9,500, इंश्योरेंस 3,000 टिक, एडवर्टाइजमेंट 5,000 टिक, इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट 3,500, ट्रेड एक्सपेंसेस रहेगा तो सर्च फॉर गोम्स बाबा है ना, गोम्स ऑफिस, तो गोम्स बाबा बैठेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफिस में, वो ट्रेड जाएगा ट्रेडिंग में, गोम्स बाबा फैक्ट्री में नहीं बैठेगा, उसका जगह फिक्स ऑफिस, तो गोम्स तो बिठा दिया ऑफिस में, ट्रेड को ट्रेड में डाल देंगे। चलो ट्रेड एक्सपेंसेस 6,500, फैक्ट्री रेंट 3,500, सैलरीज 11,000 टिक, चलो हो गया। लास्ट ड्रॉइंग्स 14,450 और 10,000, 14,450, 10,000 टू ड्रॉइंग्स, हो गया डेबिट साइड खत्म। कैपिटल अकाउंट 2,00,000 और 1,80,000, सेल्स 4,00,000, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, पहले आउटवर्ड ले लूँ, चलो क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल और रिटर्न आउटवर्ड, तो क्रेडिट और रिटर्न डेबिट से लेस 4,500, लाइबिलिटीज सन्डे क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल 128,040, हो गया ट्रायल बैलेंस समाप्त, एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000, ट्रेडिंग क्रेडिट 1,20,000, फिर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी 5% और पेटेंट्स 15, प्रीपेड इंश्योरेंस 600 लेस कर देंगे इंश्योरेंस से, एसेट ऑलरेडी 5% लेस, कहानी लिखा है अपन ने नहीं। तो पूरा कहानी अभी क्यों लिखने का, डायरेक्ट टू न्यू आरडीडी खत्म, अरे समझा क्या, बैडजेट्स होता तो लिखते कहानी, अभी कुछ जरूरत ही नहीं रहती, क्या ही जरूरत है, लिख भी दिया तो अच्छा ही, 6,250, 2,700 सैलरी वेजेस, सैलरी 2,000, पेजेस एक, एडवर्टाइजमेंट 700,
wages. Wages 1000. Outstanding expenses 3800 का कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर कुछ चल गया तो बोलो बाय कुछ डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितने का 6000 का क्लेम मिला 3800 इंश्योरेंस क्लेम तीन हज़ार आठ सौ का क्लेम मिला एसेट मतलब क्योंकि मिला नहीं है एडमिट हुआ है क्लेम तो 3800 का क्लेम मिलेगा मिलने वाला एसेट 2200 का लॉस तो लॉस बाय फाइव डन पोस्टिंग हुआ समाप्त अब करेंगे क्लोजिंग चलो लेट्स चेक इनर सब आउटर में गया क्या यस इनर यस तो बाद में इनर पहले ट्रेडिंग क्लोज करते हैं कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है 3 और 1 4 4 लाख 4 और 5 5 लाख 5 लाख 16 हज़ार 480 495 क्रेडिट ही ज़्यादा है आप पेंसिल से चेक कर सकते हैं अगर टोटल लेके अच्छा 11 1 10 12 1 4 और 1 5 5 लाख 21,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 5 20 21 3 24 7 30 13 2 20 2 5 7 8 15 24 7 31 3 2 5 6 11 12 0 1 2 3 2 5 अच्छा तो 7500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है तो लॉस वाव नेट लॉस 5 4 9 16 or 4 20 2 9 11 12 13 5 18 21 29 35 37 3 4 47050 by net loss transfer to partners capital account कौन है नैना कबीर profit sharing ratio है equally 2 1 2 2 9 18 2 7 14 14 19 775 profit and loss account net loss seven thirteen, seven twenty, two four six, seven thirteen, seven twenty, six nine fifteen, five twenty, four six ten one, five eight two ten, eight two ten, ten one two one three, five one lakh fifty, two twenty, 165, 775 150, 225.
टू टेन टेन सिक्स वन फोर लाख 87,700 पे टैली। 40 मिनट बचा है, अपन 3 घंटे के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो अपना फिर भी 10 मिनट पहले सॉल्व हो गया। ग्रेट डन गाइस, चलिए इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए पेपर सॉल्विंग। बाय।